करनाल के अंबेडकर चौक स्थित डॉक्टर मंगलसेन ऑडिटोरियम को लीज पर दिए जाने एवं निजी हाथों में सौंपे जाने के विरोध में सामाजिक संस्थाएं एकजुट हो गई हैं। आपको बता दें कि सामाजिक संस्था नीफा एवं शहर के अन्य संस्थाओं द्वारा लघु सचिवालय पहुंचकर विरोध किया गया। नीफा के चेयरमैन प्रीतपाल सिंह पन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस ऑडिटोरियम में सामाजिक संस्थाओं द्वारा जनहित में किए जाने वाले कार्यों के लिए नो प्रॉफिट व नो लॉस पर दिए जाने की बात कही गई थी, जिससे सामाजिक संस्थाओं के समाज को जागरूक करने के लिए गीता जयंती समारोह एवं अन्य समाज की बुराइयों को दूर करने वाले कार्यक्रम यहां पर किए जा सके, परंतु प्रशासन द्वारा इसको निजी किया जा रहा है एवं कहा जा रहा है कि पिछले एक साल में इस ऑडिटोरियम का बिजली का बिल का खर्च भी नहीं निकाल पाया और यह घाटे में जा रहा है। इस तरह तो अन्य संस्थान भी बिजली के बिल भी नहीं भर पा रहे, तो क्या उनको भी निजी हाथों में सौंपेगी सरकार? इसीलिए सामाजिक संस्थाएं जिला प्रशासन के इस फैसले का विरोध करती हैं। यहां बताते चले कि जिला प्रशासन के इस फैसले के विरोध स्वरूप संस्थाओं के पदाधिकारियों ने लघु सचिवालय में पहुंचकर अतिरिक्त उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संस्था के प्रतिनिधियों ने चेताते हुए कहा कि अगर यह फैसला जिला प्रशासन द्वारा वापस नहीं लिया जाता है तो सामाजिक संस्थाएं सड़कों पर आकर इसका विरोध जाहिर करेगी, क्योंकि ऐसे ऑडिटोरियम कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि मुनाफा कमाने के लिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये सीधी तस्वीरें लघु सचिवालय से नीफा की ओर से मंगल सेन ऑडिटोरियम को निजी हाथों में सौंपे जाने के विरोध स्वरूप आज जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाओं के लोग यहाँ पहुँचे हैं और जिला उपायुक्त को ज्ञापन देकर मांग करेंगे कि इसको निजी हाथों में न सौंपा जाए बल्कि उचित दामों पर संस्था के लिए मुहैया करवाया जाए। यहाँ हम आपको बता दें कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री द्वारा मंगल सेन ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया था और संस्थाओं को समर्पित करने की बात भी कही गई थी, परंतु अब इसको कमर्शियल रूप में निजी हाथों में सौंपे जाने का करनाल की सामाजिक संस्थाएं विरोध कर रही हैं। उसी कड़ी में आज प्रीतपाल पुन्नू नीफा के अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग लघु सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन देने की मांग कर रहे हैं कि इस ऑडिटोरियम को निजी हाथों में न सौंपकर उचित दामों पर संस्था द्वारा जो सामाजिक कार्य करवाए जाते हैं उनके लिए उचित दाम पर मुहैया करवाई जाए। यह करनाल की आन बान शान है जिसको निजी हाथों में देकर गलत किया जा रहा है। एकमात्र स्थान था हमारे पास करनाल में जो सोशल संस्थाएं जो एनजीओ वगैरह है जहां कार्यक्रम कर सकती थी जनहित के मुद्दों को लेकर, लेकिन आज उसको प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रहे हैं। ये एक सीएम सिटी के नाम पर कलंक है। एक ही स्थान था हमारे पास सिर्फ करनाल के अंदर। ऐसी क्या नौबत है कि दो साल पहले जिस संस्थान को इन्होंने पब्लिक के हवाले किया आज उसी को प्राइवेट दे दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि बिल काफी ज्यादा आ रहा है, जब वहाँ पे इवेंट्स ही नहीं हो रहे, कोरोना की वजह से सोशल इवेंट्स ही बंद हैं, तो आखिरकार बिल आ क्यों रहा है इतना ज्यादा? देखिए, पिछले 5 साल से नगर निगम का उठा के देख लो तो लोगों ने करोड़ों रुपए नहीं दिया। क्या वो सारी संस्थाएं प्राइवेट हाथों में सौंप दी जाएंगी? जहाँ जिस स्थान पर खड़े हैं यहाँ भी लाखों रुपये बिल है, क्या ये स्थान भी प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा? ये कोई जवाब नहीं है। अभी बिजली का बिल आ रहा था, सरकार इसका में चलाने में समस्या, जो हरियाणा टूरिज्म है, जो करनाल में लेक है वो भी पूरा नहीं कर रही, हरियाणा रोड भी पूरा नहीं कर रही, क्या सब कुछ भेज दिया जाएगा? नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। सोची समझी बात के तहत इन्होंने हमारे को लग रहा कि आने वाले समय में और भी बहुत सारी जगह जो है ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में सौंपने जा रहे हैं और ये चिंता का विषय है। करनाल में हम की गई थी कि कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा, सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, उसको लीज पर देने की बात की जा रही है। ऐसी क्या आफत आ गई कि इतना प्रशासन सरकार सब कुछ मिलकर 1-1.5 लाख रुपये उसका बिजली का बिल है वो नहीं पूरा हो रहा? और दूसरी मैं एक चीज़ और जरूर जानना चाहूँगा कि जब वो ऑडिटोरियम बंद पड़ा हुआ है, कोरोना में कोई प्रोग्राम तो हो नहीं रहे, तो किस चीज़ का बिल आ रहा है? 1-1.5 लाख रुपया किस चीज़ का बिल आ रहा है? जो लोग अगर वहाँ सरकारी प्रोग्राम हो रहे हैं तो उन सरकारी विभागों से भी किराया लिया जाए। अगर महीने में 10 प्रोग्राम होते हैं तो 10-10 हज़ार लिया जाएगा, 1 लाख रुपये का बिजली का बिल पूरा हो जाएगा।
तो इसके बहुत से रास्ते और हैं जो प्रशासन को सोचने चाहिए। कला और संस्कृति को ख़त्म ना करें। ये देखिए, ये राजधर्म है। एक वेलफेयर स्टेट के अंदर जो जनहित की चीज़ें होती हैं उनको लाभ आने की दृष्टि से नहीं देखा जाता, जनहित की चीज़ों का व्यापारीकरण नहीं किया जाता। तो ये जनहित के लिए एक बहुत अच्छी सौगात मुख्यमंत्री जी ने करनाल को दी थी, जिसके लिए सारे खुश थे और सभी ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी किया था। बाकायदा उसी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करके धन्यवाद किया था। तो आज उस धन्यवाद को जो है हम इस तरफ ना लेके जाएं कि सभी ये सोचें कि ये तो एक छलावा था, ये तो केवल एक हमें जो है एक वो दिखाया गया था और उसके बाद उठाकर इसे निजी हाथों को सौंप दिया गया और इसको जो है इसका व्यापारीकरण कर दिया गया। मुझे नहीं लगता, अगर लाख रुपया, डेढ़ लाख रुपया अगर महीने का बिजली का बिल लगा लें, लाख रुपया हम उसका भी लगा लें, रख रखाव का भी लगा लें, साल के अगर 25 से 30 लाख रुपया हम इसका ऑडिटोरियम का खर्चा लगा लें, मैं कहता हूँ 1 रुपया भी कहीं से ना आए। क्या सरकार 25 से 30 लाख रुपया कला और संस्कृति को, सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खर्च नहीं कर सकती? तो मुझे लगता है स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपया आ रहा है, स्मार्ट सिटी का दफ्तर भी वहीं पर है, उसका किराया ही अगर दे दिया जाए तब भी जो है बिजली का बिल पूरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये गलत है। हम लोग सारे जितने भी यहाँ देखें, आप देखेंगे कला और संस्कृति से जुड़े हुए, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग डी साहब को ये मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। ये मेमोरेंडम मुख्यमंत्री जी के नाम है और सांसद महोदय के नाम पर है कि ये लीज जो है इसको कैंसिल किया जाए और इसको जो है जैसे सरकार चलाती है बाकी ऑडिटोरियम, चंडीगढ़ में ऑडिटोरियम बहुत से हैं सरकारी हैं, सरकार चलाती है, दिल्ली में बहुत से ऑडिटोरियम हैं सरकार चलाती है, इसको सरकारी तौर पर चलाया जाए और जिस रेट पे सरकार सरकारी विभागों को दिया जाता है 10,000 रुपया, वही रेट संस्थाओं के लिए रखा जाए। क्योंकि संस्थाएँ जो हैं वो कमर्शियल काम नहीं करती, वहाँ टिकट लगा कर नहीं बेचती, घर का काम नहीं कर रही। अगर वो वहाँ भ्रूण हत्या के खिलाफ, नशे के खिलाफ प्रोग्राम करती हैं तो वो सरकार का काम है जो संस्थाएं कर रही हैं। अगर वहाँ कोई कला और संस्कृति के कार्यक्रम होते हैं तो वो देश की कला और संस्कृति का कर रहे हैं, अपने घर के काम नहीं कर रहे। रादर उनको तो प्रोत्साहित करना चाहिए, पर प्रोत्साहित करने की बजाय जो है उनको इस प्रकार से जो ये किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो यही डिमांड लेकर आज हम आए हैं कि इसको रद्द किया जाए। और अगर रद्द नहीं किया जाता, हम तो जो बोली देने वाले लोग आए हैं जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं उनसे अपील करेंगे, कि वो इस बोली से पीछे हट जाएं। ये करनाल की भावनाओं के खिलाफ बोली हो रही है, वो इससे पीछे हटें। अगर कोई ठेकेदार इसको बोली पर लेता है और प्रशासन देता है तो करनाल की संस्थाएं सामूहिक रूप से इस ऑडिटोरियम का ही बहिष्कार करेंगी कि जब तक ये निजी हाथों में रहेगा ना कोई सामाजिक संस्था वहाँ कार्यक्रम करेगी और ना ही वहाँ पर किसी कार्यक्रम में, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, इस ऑडिटोरियम में किसी कार्यक्रम में हम शामिल भी नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल खुला विरोध करेंगे और मुझे उम्मीद है सर, कि कई संस्थान हैं जिनके बिल काफ़ी पेंडिंग पड़े हैं, कहीं कहीं करोड़ों के पड़े हैं, उनको भी दे इस हिसाब से। हाँ, मैं तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि अगर आप जो सार्वजनिक हित के संस्थान होते हैं उनको अगर आप लाभ की दृष्टि से देखोगे, हानि की दृष्टि से देखोगे, तो इस देश के मैक्सिमम संस्थान जो हैं वो निजी हाथों में चले जाएंगे अगर इस दृष्टिकोण से देखोगे तो। आपका कल्पना चावला हॉस्पिटल कौन सा बढ़िया कर रहा है? ये जो इतना बड़ा बनाया गया है, आज ये सफ़ेद हाथी बना हुआ है, इसको भी निजी हाथों में दे दो, इसका निजीकरण कर दो, सार्वजनिक हित खत्म कर दो। तो जो सार्वजनिक हित की चीज़ें होती हैं उनका निजीकरण नहीं होना चाहिए, निजी हाथों में नहीं दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि 25 करोड़ रुपया जो लगा है वो सरकार का लगा और सरकार के पास कहाँ, वो पब्लिक की मनी है। तो पब्लिक मनी से 25 करोड़ रुपये का एक प्रोजेक्ट जो है वो कुछ लाख रुपए महीने के बदले में या साल के बदले में किसी व्यक्ति को दे दिया जाएगा, लाभ वो कमाएगा। जो व्यक्ति इसको लेगा वो लाभ कमाने के लिए लेगा, वो सेवा के लिए नहीं लेगा, उसको कोई मतलब नहीं होगा कला संस्कृति। कल को हो सकता है वो यहाँ पर शादियाँ भी करानी शुरू कर दें। आपको याद होगा पंचायत भवन को भी निजी हाथों में दिया गया था, हमने विरोध किया था उस समय, पिछली सरकार ने दिया था वो, और वहाँ पर होटल का बोर्ड लगा दिया गया था। और वहाँ पर मतलब एक पंचायत भवन जो पंचायतों के काम के लिए, जो संस्थाओं की मीटिंगों के लिए था, उस वहाँ पर होटल खोल दिया गया था, वहाँ पर शादी ब्याह के प्रोग्राम होने लग गए थे। तो यही कल को यही होगा, जो निजी व्यक्ति लेगा वो कल को यहाँ शादी ब्याह के प्रोग्राम करेगा, उसको तो अपने खर्चे पूरे करने हैं, उसको तो ये देखना है कि कहाँ से मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो हम लोग बिल्कुल करनाल के लोग, अभी तो ये कुछ संस्थाएँ आई हैं, उम्मीद है कि पहले लेवल पर इसको मान लिया जाएगा, नहीं तो करनाल के लोग संघर्ष करना जानते हैं और संघर्ष को जिस लेवल पर ले जाना पड़े उस लेवल पर लेकर जाएंगे। आज ज्ञापन यही दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम और सांसद महोदय के नाम, डीसी साहब के माध्यम से, कि इस लीज को कैंसिल किया जाए और इसके और रास्ते सरकार निकाले, कला और संस्कृति को पोषित करे और कला संस्कृति और सामाजिक गतिविधियों के लिए उसी दर पर दिया जाए जिस दर पर सरकारी विभागों को दिया जा रहा है। आज ये जो दिया जा रहा है, ये अपना विरोध पत्र ज्ञापन दे के आए हैं कि करनाल के अंदर सिर्फ एक मात्र स्थान है जो किफायती है, जहां पर सामाजिक संस्थाएं कार्यक्रम कर सकती हैं। शहर के बहुत सारे, करनाल बहुत बड़ा शहर है, इसमें कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो सामाजिक कार्य कर सके। 2 साल पहले एक मात्र स्थान बनाया था, ना जाने ऐसी क्या जल्दी हुई कि इन्होंने तुरंत उसको निजी हाथों में सौंपने के लिए तैयारी कर ली। जब सरकार उसका बिजली का बिल नहीं दे सकती,
तो प्राइवेट आदमी कहाँ से दे पाएगा। ये बात सोचने की है, क्या आने वाले समय में बाकी जहाँ जहाँ ये बिल नहीं पे करते क्या वो प्राइवेट समय सौंप दी जाएगी। इस बात से हम चिंतित हैं, करनाल के लोग इस बात से चिंता जाहिर करते हैं कि आने वाला जो समय है वो एक ठीक समय नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.